देखो इधर नोट करेंगे बाकी 150 मीटर। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक फ्यूल गैसेस। न्यूमेरिकल्स मैंने अभी नहीं कराए, तुम्हें न्यूमेरिकल्स ही कराने हैं, मैं ऑनलाइन में कराऊंगा तुमसे। फाइल ध्यान रखना, तुम्हें फाइल लेके आनी है हमेशा। असाइनमेंट जो है 11th वाले बच्चों को, मैं असाइनमेंट मिली हुई ना, वो असाइनमेंट जरूर लेके आनी है तुम्हें हमेशा। जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसको एज ए टेस्ट करना है, थ्योरी पढ़ के रखना है। अच्छा अब नोट करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सवेल ने दी थी। ये किसे दिया? मैक्सवेल ने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसे दिया? मैक्सवेल ने दिए थे। इसके 8 पोस्टुलेट से, एटलीस्ट 8 पोस्टुलेट और भी बन सकते हैं, 8 पोस्टुलेट जरूर आने चाहिए, 8 इंपॉर्टेंट वाले पोस्टुलेट वो जरूर आने चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिवन बाय मैक्सवेल, इसके 8 पोस्टुलेट से वो आने चाहिए सबको, 8 के 8 पोस्टुलेट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी गई थी आइडियल गैसेस की डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी की डिटेल को, काइनेटिक एनर्जी की डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए, किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी गई। वॉज ओनली फॉर आइडियल गैसेस, नॉट फॉर रियल गैसेस। मैंने आइडियल गैसेस के लिए थी, नॉट फॉर रियल गैसेस, मैक्सवेल ने दी थी थ्योरी है। पहला पॉइंट बोला इसने कि याद कर लेना, 8 के 8 पोस्टुलेट साथ साथ याद हो जाने चाहिए, 8 के 8 पोस्टुलेट याद हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं विद द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट करके। तो पहला पोस्टुलेट था, हर एक गैस का मॉलिक्यूल, जैसे N2 गैस है, N2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या होंगे? आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास, सब क्या होंगे? आइडेंटिकल। ये N2 गैस के अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो सब एक जैसे ही होंगे, ठीक ना? क्या बोलेंगे? एवरी गैस मॉलिक्यूल विल बी गैसेज, पहले गैसेज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। बहुत सिंपल तरीके से देखना, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। और इसी के अंदर ये जैसे N2 गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो जो O2 गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो N2 गैस के मॉलिक्यूल से क्या होंगे? डिफरेंट, लेकिन आपस में क्या होंगे? सिमिलर। क्या समझ आ गया? डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स होंगे N2 गैस के मॉलिक्यूल्स, O2 गैस मॉलिक्यूल्स, वो आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे शेप, साइज और मास। जैसे N2 का मास आपको पता कितना होता है? 28 AMU, याद है कि नहीं है? और O2 गैस का मास कितना होता है? 32 AMU, 28 AMU, 32 AMU, समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो पहला पोस्टुलेट समझ आ गया, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पहला पॉस्टुलेट है। सेकंड पॉस्टुलेट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल। हम तो ये मानते हैं, इसके अंदर क्या मानेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेगलिजिबल है, यानी सारा का सारा वॉल्यूम जो है ऑल इज फ्री वॉल्यूम। इसको मैं अगर ऐसे सोच रहा है, इसको कंसंट्रेट कर दें, यहां पे आ जाएंगे इतने पार्ट में सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे कि नहीं? एक कॉर्नर पे अगर सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या है? फ्री वॉल्यूम ही तो है एक तरह से, सारा का सारा वॉल्यूम। आइडियल गैसेस के केस में क्या मानते हैं? फ्री वॉल्यूम, ऑल वॉल्यूम इज फ्री वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो दूसरा पॉइंट है ये, और ये वाला पोस्टुलेट बाद में जाके फॉल्टी प्रूव हुआ था लेटर ऑन, रियल गैसेस प्रूव, गलत माना था इसको, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। शरद पढ़ो ना, बाद में ये गलत प्रूव हुए थे, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेगलिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी तुम्हें क्या मानना है? आइडियल गैसेस के लिए ट्रू, आइडियल गैसेस के लिए क्या ये ट्रू, याद रहेगा कि नहीं है? तो ये सेकंड पोस्टुलेट है, और दोनों का प्रूफ कहोगे ना, अगर प्रूफ चाहिए तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं, बॉइल करते हैं वाटर को, तो जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, अब ज्यादा होगा कम होगा? वेपर बन जाएंगे कि नहीं?
तो जो मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ज्यादा वो कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, 1600 टाइम्स इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हो गया नेग्लिजिबल कि नहीं वॉल्यूम, बात समझ नहीं है। इस ये प्रूफ है इसका कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। एंड गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल, ये भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है। क्या दो पॉइंट क्लियर हो गए? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीन पॉइंट है नेग्लिजिबल वाले, इसके बाद थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये भी गलत है, बाद में जाके प्रूव हुआ, ये भी गलत है, बाद में जाके प्रूव हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, इसका तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, डेली लाइफ से रिलेटेड। एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, अगर हाईली कंप्रेस्ड गैस है उसके ऊपर से हमने प्रेशर रिलीज कर दिया तो गैस मॉलिक्यूल क्या वहीं रहेंगे कि भागेंगे? भागेंगे ना इधर उधर, यानी इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अदरवाइज रियल गैसेस में नहीं होता ऐसा, ये वाला ये पॉस्टुलेट और ये पॉस्टुलेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों गलत थे, ये दोनों गलत थे, आइडियल गैसेस के लिए ट्रू थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेगेटिव, फिर हो गया पॉइंट की नहीं है। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नेगेटिव, गैसेस के ऊपर क्या ग्रेविटी लगती है? गैस के मोल को छोड़ देंगे तो ऊपर उठते हैं कि नीचे गिरते हैं? ऊपर चले जाते हैं ना वो, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है इसका? तो नेगलिजिबल, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? नेगलिजिबल। हैवी गैस है ब्रोमीन की, हैवी गैस ब्रोमीन है, उसके ऊपर मैंने एयर का सिलेंडर रख दिया तो क्या ब्रोमीन गैस ऊपर राइज नहीं करेगी? हाँ उतना राइज नहीं करेगी, क्योंकि एयर का अगर एयर के मोल ज्यादा है तो, लेकिन राइज तो करेगी ना ऊपर, नीचे तो नहीं रहेगी ना, इसलिए क्या बोलते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नेगलिजिबल। चार पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं? पहला पॉइंट क्या था याद कर लेना साथ साथ, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स, अगले तीन पॉइंट नेगलिजिबल वाले, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेगलिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगलिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेगलिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेगलिजिबल, है ना। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स दे आर सपोज टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, गैस मॉलिक्यूल्स दे आर सपोज टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, गैस मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, दो पॉस्टुलेट कंबाइन कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बट इन स्ट्रेट लाइन। जो गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं कैसे मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, पैराबोलिक पाथ होगा स्ट्रेट लाइन में, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, गैस मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, तुम जैसे कोई डार्क रूम है उसमें कहीं भी किसी डायरेक्शन से सन की रेज आ रही है तो तुम्हें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, मूव करते हो कि नहीं? ये इसका प्रूफ है, कोई डार्क रूम है उसमें अगर सन की रेज आ रही है किसी होल से तो क्या होगा, तुम्हें क्या दिखेगा? डस्ट के पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका प्रूफ है। नहीं तो सिनेमा हॉल में सबने देखा हुआ है, प्रोजेक्टर से जब लाइट आती है तो दिखते हैं ना पार्टिकल मूव करते हुए, तो वो भी इसका प्रूफ है, फिर होगी बात की नहीं है। और दूसरा एक चीज और, स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट याद रखना, सही ना। मान लो ये कोई वॉल है, एक क्यूब की वॉल है, इधर कोई भी मॉलिक्यूल है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक्स एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन, वेक्टर क्या होगा इसका? बी एक्स आई प्लस बी एक्स जे बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये वेक्टर होगा इसका। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? बी स्क्वायर इज टू बी एक्स स्क्वायर, पता ना ये, वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग इन ऑल द थ्री डायरेक्शन विल बी सेम, वो तीनों में सेम मानेंगे ना डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इक्वली जाएगा और इक्वल वेलोसिटी के साथ। इसलिए अगर मान लो सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन जा रहा है, फिर को एक्स डायरेक्शन निकालना है तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर को भी वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और वी जेड स्क्वायर को भी वी एक्स स्क्वायर, तो थ्री वी एक्स स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा? तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी, एक्स डायरेक्शन निकालना है इसलिए मैंने तीनों को वी एक्स की फॉर्म लिख दिया, वाई में निकाला होता तीनों को वाई की फॉर्म लिख दिया,
ये आ गया, यानी वी एक्स स्क्वायर जो होगा ये वी वाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 3 होगा, क्या ये समझ आ गया? इसको भूलना मत, आगे यूज करूंगा मैं, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। ये कोई मॉलिक्यूल है गैस का एक, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैंने इसके कंपोनेंट्स कंसीडर किए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, तो वेक्टर क्या होगा इसका? वी एक्स आई आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, और तीनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहा है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इसलिए मान लो मैंने एक्स डायरेक्शन में माना तो वी थ्री वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय 3। ये भूलना नहीं बिल्कुल, मैं आगे यूज करूंगा इसको, मैं तब तुम्हें डायरेक्ट बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ पहले। वी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? वी स्क्वायर बाय 3। ये इस पॉइंट से रिलेटेड बता दिया मैंने, फिफ्थ पॉइंट से। फिफ्थ पॉइंट समझ आ गया? गैस मॉलिक्यूल दैट सपोज बी मूविंग इन डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस का प्रूफ दे दिया, प्लस एक मैथमेटिकल फॉर्म बता। समझ आ गया कि नहीं है? क्वेश्चन ये हमने कंसीडर किया है कि तीनों में सेम एजम्पशन है, ये अभी पहले किसी को गैस क्वेश्चन आएगी उसमें एजम्पशन हो कि हमें सेम वेलोसिटी मान। नेक्स्ट सिक्स पोस्टुलेट, प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द, प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी गैस वो तो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द, प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स, कोलिजन या बम्बार्डमेंट कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्या ये समझ आ गया? प्रेशर एक्सर्टेड किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, सिक्स पॉइंट का प्रूफ बहुत सिंपल है। साइकिल के ट्यूब में, बाइक के ट्यूब में, या फिर फुटबॉल के अंदर अगर हम एयर फिल करते हैं, अगर हम एयर फिल करते हैं तो क्या होगा? आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द फुटबॉल, ब्लैडर के साथ कोलाइड करेंगे तो जाके क्या होगा? प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो फिल हो जाएगा। बात समझ, बात समझ कि नहीं है? तो इधर ये इसका प्रूफ है सिक्स पॉइंट का, प्रेशर एग्जर्टेड इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर एग्जर्टेड किसकी वजह से है? ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सेवंथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन अमंग मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर होती रहेगी। सेम मानते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। और मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम क्या रहेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी, एक करते हैं मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा था ना, मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। और इसका प्रूफ क्या है? अगर इलास्टिक कोलिजंस नहीं होती, अगर इलास्टिक कोलिजंस नहीं होती तो कुछ टाइम के बाद मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे कि नहीं? टकराते जाएंगे, एनर्जी लूज करते जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसलिए क्या मानते हैं? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का जैसे जैसे किसी वॉल से टकराया, मॉलिक्यूल यहां से आया, इस वॉल से टकराया एक्स डायरेक्शन से, मोमेंटम एम यू एक्स, जब वापस आएगा तो नेगेटिव मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम यू एक्स। ये मोमेंटम क्या है? कंजर्व, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? एम यू एक्स माइनस एम यू एक्स, माइनस माइनस एम यू एक्स क्या आ जाएगा? टू एम यू एक्स। ये भी मैं यूज करूंगा, अभी चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? टू एम यू एक्स। अच्छा एट पॉइंट,
एट पॉइंट, एट पॉस्टुलेट, एट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो डायरेक्ट भी रास्ते, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया ये, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली ड्यू टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे जाके मैं इसका प्रूफ करूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू 3/2 kT, 3/2 kT वेयर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, वैल्यू होती है इसकी आर बाय एन नॉट। आर क्या है, आर कौन सा कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एन नॉट क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, डिवाइड करेंगे 1.38 × 10⁻², 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, यूनिट जरूर था, 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये डिराइव होगा आगे जाकर, ये आगे जाके भी ड्राइव हुई, नोट कर लिया। अब एक थोड़ा सा मैक्सवेल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे, फिर आगे बता रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन का प्रूफ। मैक्सवेल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ऑफ वेलोसिटीज, मैक्सवेल कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज, ये कर्व है इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जा रहे हैं आजकल। ये कर्व होता है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये ध्यान रखना। तीन तरह के कर्व्स होते हैं ऐसे, एक रेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। हमें पढ़ना है अनसिमेट्रिकल, हमें कौन सा पढ़ना है, अनसिमेट्रिकल वाला। रेट्रो में कुछ ऐसे, मान लो ये ऐसे होता है कुछ, और सिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे, समझ गए कि नहीं, ये सिमेट्रिकल है ना बिल्कुल, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें दो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, मर्ज कर जाती है एक के ऊपर एक, दो वेलोसिटीज एक के ऊपर एक मर्ज कर जाती है, यानी तुम्हें याद होगा है कि, चलो अभी अभी इसमें जो 12th वाले बच्चे हैं उनको समझ आ गया होगा, दो वेलोसिटी मर्ज करने का मतलब है अल्फा इज टू बी टू यू का जो रेशियो निकालते हैं ना, वो 1:1:1.22 आता है। दो वेलोसिटी कौन सी मर्ज करके, अल्फा और बी, वो दोनों सेम हो। नवीन कुछ ध्यान है, ये कौन सा है, सिमेट्रिकल वाले में क्या होगा, दो वेलोसिटी क्या कर जाएंगी, दो अल्फा और बी क्या हो जाएंगी, सेम। अल्फा था ना 2 RT/m अंडर रूट के अंदर, और बी क्या था 8 RT/πm, तो अल्फा और बी, अल्फा क्या कितना था 2 RT/πm, और वो क्या है 8 RT/πm, 8/√8/π, लगभग 2 के को ला रहा है कि नहीं, नंबर इस कर जाएंगे तो 2 इक्वल आ जाएगा ना ये, और दूसरा वाला एग्जैक्टली 3 है, तो इसलिए दो वेलोसिटी मर्ज कर जाएंगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना 1:1:1.22 आएगा। अभी नोट कर लेना, आगे समझ आ जाएगा ये। देखो सर, अब इसके अंदर जो कर्व है, जो अनसिमेट्रिकल कर्व है, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा वो तुम खुद बताओगे। ये कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे मैंने ग्राफ बनाया है, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस में क्या आएगा, एक्स एक्सिस क्या आएगा, कर्व को देख के तुम बताओगे खुद। जो मॉलिक्यूल से, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है, और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है वो भी बहुत कम है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा कि नहीं है,
अब तुम्हें बता रहा है, मैंने जो लाइन बोली ना इसके बेसिस पे, बाय एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है वो फ्रैक्शन बहुत कम है, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम है वो फ्रैक्शन भी बहुत कम, बताओ क्या आएगा वाई पे, वाई पे वेलोसिटी, एक्स पे नहीं आएगा वेलोसिटी। मैंने इसको क्या बोला, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो यानी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, समझ आएगा कि नहीं है, तो ले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या आएगा। कर्व को पढ़ना जरूर आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली मैं क्या बोल रहा हूँ और वर्टिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाई पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। टी टेम्परेचर पे एक कर्व है, टी टेम्परेचर पे एक कर्व है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जब पीक पे है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जब पीक पे है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी इस पॉइंट, क्या समझ आ गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डिनोट करते हैं इसको अल्फा से, फॉर्मूला याद करना तुम्हें डायरेक्ट, अंडर रूट में 2 RT/m, RT/m हर वेलोसिटी में कॉमन आएगा, अल्फा एमपी भी लिख दो ताकि याद रहे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा एमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अंडर रूट में 2 RT/m, देना अंडर रूट में 2 RT/m मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अंडर रूट में 2 RT/m, समझ आ गया कि नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, मान लो किसी गैस के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, 70 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी है तो वो मोस्ट, या उसके आसपास में, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी कि नहीं, नहीं समझ में, वो क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, समझ आ गया कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या चीज है। अच्छा अब अल्फा बता दिया मैंने तुम्हें, इसके आगे वाली जो वेलोसिटी होती है इसके जस्ट आगे वी, अल्फा वी, वी क्या होता है, वी है एवरेज वेलोसिटी। पहले तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, बट ऑन दी वेलोसिटी मैक्स पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 2 RT/m, फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, एवरेज का मतलब पता ही है ना, वी जैसे अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल्स है, एक की वेलोसिटी 10 है, एक की 9 है, एक की 8.5 है, तो एवरेज निकाल लोगे ना, मीन ऑफ ऑल द डिफरेंट वेलोसिटी, मीन ऑफ ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज इज कॉल्ड एज इट्स एवरेज, वी वन प्लस वी टू टिल वी एन डिवाइड बाय एन, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट वाला है वो याद करना है तुम्हें, 8 RT/πm, ये है एवरेज वेलोसिटी, 8 RT/πm, 8 RT/πm, नोट कर लिया, थर्ड वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यू से नोट करते हैं,
RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट RMS वेलोसिटी, अंडर रूट में 3 RT है। अंडर रूट में 3 RT/m, फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर यानी पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों दी गई है, स्क्वायर डिवाइड बाय एन करेंगे, मीन लेंगे इसका, बाय एन करेंगे इसको, बाय एन करेंगे फिर रूट ले, फिर रूट में ले लेंगे, समझ आ गया कि नहीं। ये क्यों दी गई है, तो कुछ वेलोसिटीज क्या होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में, स्क्वायर कर देंगे तो सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी कि नहीं, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इसीलिए ये वाली वेलोसिटी दी गई। बाकी दोनों समझ आती है, एक मोस्ट प्रोबेबल है यानी वेलोसिटी पोजिशन में मैक्सिमम फ्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल, दूसरी भी एवरेज वेलोसिटी है वो भी समझ आता है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों दी गई है, क्योंकि वेलोसिटी जो थी कोई किस डायरेक्शन में होगा कोई किस डायरेक्शन में होगा, तो उन सबको एक मानने के लिए हमने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर मीन ले लिया फिर रूट ले लिया, तो बात वही पड़ेगी, ऐसा माना गया, पहले स्क्वायर किया फिर रूट ले लिया तो बात वही पड़ेगी, ऐसा माना गया। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये आगे यूज अल्फा बी यू, अल्फा बी और यू, अब इसमें कौन सा है भाई, तुम बताओ बताओ कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, अल्फा की बी की यू, अल्फा तुम बोलो मानसी कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, अल्फा, क्योंकि अल्फा सबसे तो ऊंची दिख रही, तुम बोलो नीचे, अरे तुम दिया तुम देखो नीचे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली पड़ रही है ना, तो हॉरिजॉन्टली पड़ रही तो यू ज्यादा नहीं हुआ, नहीं समझा है, यू सबसे ज्यादा होगा ना, और मान लो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूले देख लो ना, फॉर्मूले में क्या है, अल्फा इज टू वी इज टू यू, क्या आ रहा है देखो, अल्फा अगर क्या है, रूट कितना है टू, ये रूट टू है तो वी कितना होगा, रूट एट बाय पाई, और यू क्या हो जाएगा, रूट थ्री, नहीं समझ आया, तो ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सा है, रूट थ्री तो ज्यादा सबसे, समझ आ गया कि नहीं, अल्फा इज टू वी इज टू यू, एक तो इस फॉर्म में याद कर लेना जरूर, चेक करना बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, अल्फा इज टू वी इज टू यू, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1:1.128 है इज टू 1.224, ये तो बहुत बार पूछा हुआ पेपर, ये रेशियो 1:1 रेशियो रटा भी ना हो तुम्हें ये बताना चाहिए ये कम है ये ज्यादा है ये ज्यादा है ऐसे, यानी अगर तुम्हें अल्फा पता है तो उसको 1.224 टाइम्स कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, जूल कर जाएगा, और अल्फा का तुम्हें होता है तो 1.18 टाइम्स कर दोगे क्या कर जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, समझ आ गया कि नहीं, तो ये रेशियो अब तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो क्या होगा, उसमें अल्फा और बी क्या हो जाएंगी, इक्वल, नहीं समझेगा, अल्फा और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल, अगर कौन सा कर्व है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, समझ आ गया कि नहीं, है 2020 में IIT एडवांस में पूछा हुआ है, मर्ज कर जाएंगी वो, और सही ना, दोनों वेलोसिटीज मर्ज कर जाएंगे एक दूसरे के अंदर, अब अगर हमने टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया, ध्यान देना जरा, अब टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया इसको, टेम्परेचर को अगर 10 केल्विन, ये पहले टी केल्विन था ना, पहले जैसे 300 केल्विन था, अब हमने कर दिया 310 केल्विन, यानी टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कह लो या केल्विन कह लो, बात देखिए, अब हमने 10 केल्विन से टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, या कैसा तो क्या बोला, अच्छा बोला सही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो अल्फा भी देखो, अल्फा भी बढ़ गया, वी भी बढ़ गया, यू भी बढ़ गया, तीनों बढ़ गए कि नहीं, लेकिन फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम, क्यों, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, ध्यान ध्यान सुनना लाइन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एरिया अंडर द कर्व, ये ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एरिया अंडर द कर्व रिमेंस द सेम, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर है बात की नहीं है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिमेंस द सेम, है ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये लाइन भूलना नहीं बिल्कुल भी, यहाँ जो बस ये आगे मूव कर गया है, ये थोड़ा ब्रॉड हो गया है,
ये एरिया जो है, ये वाला एरिया पहले जो था, और अब जो है दोनों क्या रहेंगे, ये वाला एरिया, ये दोनों सेम रहेंगे, सही ना, दोनों एरिया सेम है। ये कर क्लियर हो गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला भी होता है, वो करने की जरूरत है नहीं। दे रखा है एम बाय टू पाई के बी इंटू पी अंडर रूट के अंदर, फिर ई की पावर माइनस एम बी स्क्वायर, ई की पावर माइनस एम बी स्क्वायर बाय टू के बी टी, बाय टू के बी टी, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो करने की जरूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट करना आगे, इसमें एक क्वेश्चन देखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसे ये रिव्यू कर, आए नहीं आज तक, देखा ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये देखा है, तुम बताना किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो, ये कर्व्स किसके लिए है, ये बताना है, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे ये कर्व्स किसके लिए है, एसओ टू, ओ टू, ओ थ्री एंड टू, सेम टेम्परेचर पे कर्व्स किसके लिए, ए किसके लिए है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए है, डी किसके लिए, ए वाला कर्व कौन सी गैस के लिए होगा, ए वाले की वेलोसिटी सबसे कम है ना, वेलोसिटी सबसे कम है तो जिसका मॉलिक्यूल मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में आर टी बाय एम, एक में थ्री आर टी बाय एम, एक में, उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें क्या देखना है टेम्परेचर सेम है तो सिर्फ इन्वर्सिव फंक्शन तो रूट ऑफ एम है ना, जिसका एम ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसका मास कितना है 64, इसका मास कितना है 32, इसका 48, इसका 28, तो यानी ये डी तो एन टू है, डी एन टू है, और सी है ओ टू, ये है ओ थ्री, और ये क्या है सो, समझ गए कि नहीं है? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो कौन सा कर्व किसके लिए है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। कर लिए नोट, नोट कर लिए नहीं, अब इसमें कुछ रहेगा, तो अब डायरेक्शन नोट करो जल्दी, डेरिवेशन है तीन डेरिवेशन, दो तुम्हारे सिलेबस में, काइनेटिक गैस इक्वेशन एक, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, वो सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन नोट लेना, काइनेटिक गैस इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, इसका प्रूफ भी दे दूंगा, जरूरत नहीं है, वो शायद तुमने फिजिक्स में कर भी रखा हो, ठीक है, पीवी इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, पीवी इक्वल टू क्या बोला, कल की है, पीवी इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, पीवी इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम, और एम है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एम है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एम है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है ना, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एम इंटू एन से क्या आ जाएगा, एक तरह से मोलर मास आ जाएगा, एमयू स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, एम इंटू एन क्या बन जाएगा,
टोटल मास, मोलर मास, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए क्या बन जाएगा, 1 मोल के लिए क्या बन जाएगा, ये मोलर मास, ठीक ना, 1 मोल के लिए क्या बन जाएगा, मोलर मास। तो यहां से देखो ये क्या आ गया, यू क्या आ गया, यहां से अंडर रूट में 3 PV बाय में एम आ गया कि नहीं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 PV बाय एम, और पीवी क्या होता है, एनआरटी, एन क्या है, 1 मोल, पीवी क्या होता है, एनआरटी, एन क्या है, 1 मोल, तो आ गया फॉर्मूला कि नहीं, यहां से 3 RT बाय एम, दोनों एक ही बात है, अंडर रूट में 3 RT बाय एम, नहीं समझ आया, पीवी क्या होता है, एनआरटी, और एन क्या है, 1 मोल, 1 मोल के लिए पाएंगे, तभी तो मैंने एम इंटू एन को क्या लिख दिया है, कैपिटल एन, मोलर मास। यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 RT बाय एम। ये काइनेटिक ऐसे क्वेश्चन है, इसका प्रूफ भी देना, भी उससे पहले दो प्रूफ, 15 मिनट के लिए एक बार रीजॉइन कर।